तो दोस्तों फाइनली आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग Redmi के Note 9 Pro के बारे में। दोस्तों वैसे Redmi का Note 9 Pro नया फ़ोन तो नहीं है, लेकिन इसका ये जो कलर, ये जो वेरिएंट आता है, ये बिल्कुल नया है। इस वेरिएंट की खास बात है दोस्तों कि ये चैम्पियन गोल्ड कलर के साथ आता है, जो कि बहुत नया है। तो करते हैं फटाफट के अंदाज में इसका अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि क्या मिलता है हमें बॉक्स कॉन्टेंट और क्या है इस पूरे पूरे डब्बे के अंदर। ये है दोस्तों Redmi का यानी MI का Note 9 Pro, जिसे हम ओपन करते हैं। तो सबसे पहले रखते हैं इसे साइड में। ये होगा हमारा कुछ कवर यानी TPU केज, जिसको खोल करके देख लेते हैं। इसके अंदर मिलता है कुछ पेपर वर्क्स, कुछ ऐसे किताब जो कि कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि ऑलरेडी फ़ोन चलाना सबको आता है। बाद में इसका कवर निकाल के जब देखते हैं तो कवर इसका वाइट कलर ही होगा, क्योंकि फ़ोन जब गोल्डन है तो दिखने के लिए वाइट कलर का ही देगा फ़ोन। इसको भी रखते हैं साइड में। साथ ही साथ मिल जाता है यहाँ पे सिम रिजेक्टर टूल, जिसका सिम का ट्रे निकालने में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इन सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं। अब आता है हमारा मेन यूनिट, जो कि हमारा फ़ोन है। फ़ोन को भी हम रखते हैं यहाँ साइड में और फिर देख लेते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलता है। तो मिलता है दोस्तों यहाँ पे एक चार्जर, जो कि फास्ट चार्जर तो आप कह सकते हो, ये चिपक गया है डब्बा, इसमें फास्ट चार्जर आप कह सकते हो। साथ ही साथ मिल जाता है सी टाइप केबल, जिस केबल की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। टाइप सी केबल है दोस्तों, जैसे कि ऑलरेडी हमने नोट 9 प्रो की पिछली अनबॉक्सिंग में बता चुका है, जो कि ब्लू कलर का अनबॉक्सिंग था। रखते हैं ये सब कुछ साइड में, क्योंकि अभी जो हमारा जो स्पेसिफिक जो हाईलाइट है वो है हमारा फ़ोन। इन सारी चीज़ों को रख लेते हैं साइड में। इन सबको साइड में रखने के बाद निकालते हैं अब हमारे इस मेन यूनिट को, जो कि पूरा का पूरा इसी के बारे में चर्चा जिसकी हो रही है। ये है हमारा Redmi का Note 9 Pro, ये फ़ोन जो कि ग्लास के, ऑलरेडी ये गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन से मिला हुआ है, बट ऊपर से ने भी इन्होंने एक छोटा सा लेयर लगाया हुआ है, पतला सा लेयर बिल्कुल प्लास्टिक का, जिससे कि स्क्रीन पे हमारी स्क्रैच नहीं आएगी। और फाइनली बात करते हैं इस गोल्ड कलर की, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है प्यारा, बहुत अलग, क्योंकि ऐसे फ़ोन जनरली आते नहीं हैं। ये कलर अपने आप में बहुत खास कलर है, बहुत ऐसा ये कलर है कि जैसे छूने में डर लगता है कि अगर हम छूएं और ये गंदा ना हो जाए। इसका वाइट कलर तो और भी ज़्यादा प्यारा होगा, वो छूने में और डर लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल एकदम दूध हल्का सा, ये गोल्डन मैं इसको नहीं कहूँगा, इसको मैं बिस्किटी से भी ज़्यादा प्यारा कलर कहूँगा। ये बिस्किटी के साथ गोल्डन मिक्स है, जो कि छूने में बिल्कुल एकदम दूध के जैसा कलर है। छूने में भी डर लग रहा है कि ये कहीं गंदा ना जाए, हाथ का निशान ना पड़ जाए। तो बिल्कुल प्यारा सा ये फ़ोन, प्यारा सा ये कलर। करते हैं फटाफट से दोस्तों, यहाँ पे फिंगरप्रिंट दिया हुआ है, इसका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, जिसके थ्रू हम करते हैं फ़ोन को स्टार्ट। देखते हैं ये चार्ज है या फिर चार्ज करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो चार्ज होगा ही, जिससे कि हम सेटअप कर सकते हैं उस फ़ोन का। कलर मुझे बहुत प्यारा लगा दोस्तों। इसमें आयर ब्लास्टर आता है, जो कि आपके एक रिमोट की तरह टीवी में काम करेगा। इस आयर ब्लास्टर से आप अपने टीवी को, अपने एसी को, अपने फ्रिज को, साथ ही साथ आपकी जितनी भी ऐसी वेरिएबल्स हैं, जो कि वॉशिंग मशीन है या जितनी भी चीज़ें, इससे आप कंट्रोल कर सकते हो। ऊपर के साइड में दोस्तों हमें एक माइक का जैक मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा है। जैक मिल जाता है 3.5 mm का। टाइप सी चार्जर मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल्स मिल जाते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने 9 प्रो यूज़ किया, तो मुझे पता है कि स्पीकर ग्रिल्स इसके बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, लाउड आते हैं। मैं स्पीकर ग्रिल्स और इनकी क्वालिटी टेस्ट जरूर लेकर के आऊँगा अपने अगली वीडियो में। और यहाँ भी एक छोटा सा माइक, एक नीचे मिल जाता है और एक ऊपर माइक मिल जाता है। ओवरऑल दोस्तों इस पूरी फ़ोन की खास बात इसका कलर, जो कि बहुत अपने आप में प्यारा है, बहुत अपने आप यूनिक है। दोबारा वही कहूँगा कि छूने में डर लगता है, इतना ज़्यादा यूनिक है ये। वीडियो में ये मे भी थोड़ा सा डार्क आ सकता है, बट इतना डार्क ये कलर है नहीं, ये कलर बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। सेटअप कर लेते हैं फटाफट से इस फ़ोन को और देखते हैं कि कितना फास्ट होता है सेटअप। 63% मैं बैटरी देख सकता हूँ कि ऑलरेडी है इसमें। टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर देते हैं। सेम अभी नहीं डाला है, तो यहाँ पे स्किप ही करना, ऑप्शन स्किप ही करना पड़ेगा। साथ ही ये सब चीज़ें, लोकेशन मैनुअली, सब चीज़ें बाद में हो जाएंगी। सेटअप करते हैं फटाफट से। इस फिंगरप्रिंट लगाने के लिए कह रहा है, मैं फिंगरप्रिंट यहाँ पे लगाता होता कि आपको करके दिखा दूँ कि कितना ज़्यादा फास्ट इसका फिंगरप्रिंट काम करता है। पासवर्ड सेट करना है, कुछ भी डाल देता हूँ, लाइट 1121 कोई भी पासवर्ड सेट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, वैसे मैं चेंज कर लूँगा। फिंगर ऐड करने के लिए देता है, जो कि हमेशा थंब से ही इसको करना चाहिए, क्योंकि जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है वो खास करके यही सोच के लिए, थंब के लिए बना होता है कि हम अपने अंगूठे से इसे टच करके स्टार्ट कर सकते हैं इस फ़ोन को। और साथ ही साथ इसका सेटअप करते हैं कंप्लीट।
और इसे करते हैं ओके। दो थीम दी है मुझे, क्लासिक थीम ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क कलर में आता है, अपने आप में बहुत प्यारे कलर में आता है। मैं इसको ओके कर देता हूँ। सेटअप हो चुका है हमारा कंप्लीट दोस्तों, और ये MIUI 10 का सेटअप है। जी हाँ दोस्तों, ये MIUI 11 का सेटअप नहीं है, क्योंकि ये जब ये फ़ोन बना होगा उस टाइम MIUI 11 नहीं होगा, मतलब विद इन द बॉक्स। अभी के टाइम में 10 है इसमें, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि चालू करते इस फ़ोन को अपडेट इसमें ज़रूर आएगा, क्योंकि अभी के टाइम में MIUI 11 हमें मिल रहा है। सेटअप कंप्लीट हो गया है, मैं आपको अपडेट करके भी आपके सामने दिखाऊंगा कि इसका अपडेट MIUI 11 इसमें, जो कि ऑलरेडी इनबिल्ट तो नहीं आता है, विद इन द बॉक्स नहीं आता, लेकिन हाँ आउट ऑफ द बॉक्स अपडेट के थ्रू जरूर आता है। सेटअप हो रहा है कंप्लीट हमारा, और अगेन इस फ़ोन का पूरा हाईलाइट, इसका नया ये कलर जो कि अपने आप में बहुत खास एजेस डिज़ाइन के साथ आता है, जिसमें कि बहुत सारे साइनिंग फेसेस हमें मिल जाते हैं। ऐप्स को लोड कर रहा है सेटअप में हमारे, जैसे ही सेटअप होता है दोस्तों इसका कुछ इंटरफेस, कुछ आइकन्स दिखाते हैं इसी Redmi के Note 9 Pro का, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सेटअप हो चुका है लगभग कंप्लीट। और ये जी हाँ दोस्तों, सेटअप आपका फाइनली हो चुका है कंप्लीट, और ये है कुछ इसकी ऐसी डिज़ाइन जहाँ पे बहुत स्मूथ ये फ़ोन चल रहा है, बहुत स्मूथ, मतलब कोई भी लैग्स नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है फ़ोन में, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। और जैसा कि मुझे पता है कि जैसे मैं इसे वाईफाई से कनेक्ट करने वाला हूँ तुरंत मुझे अपडेट मिलने वाला है। तो दोस्तों इसकी अपडेट और इसका एक और कलर कंपेरिजन, क्योंकि नोट 9 प्रो के मेरे पास सारे कलर अवेलेबल हैं, तो मैं एक बार आपको दिखाऊंगा जरूर कि कौन सा कलर ज़्यादा प्यारा, ज़्यादा मासूम लगता है। तो दोस्तों यही थी कुछ अनबॉक्सिंग हमारे Redmi के Note 9 Pro की। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद तो फटाफट से कर दो लाइक, कमेंट, शेयर अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब। और इस फोन के का बाई परचेज लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और हमारे साथ ट्यून रहे दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।